वेलकम बैक टू द फॉरेस्ट ट्रेल, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग, क्योंकि मौसम साइकिलिंग जा रहे हैं थोड़ा माउंटेन्स पे और मौसम थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मैं ब्लैक पैंथर को लेके चल रहा हूँ। ब्लैक पैंथर पे हमने माउंट लगा दिया है, साइकिलिंग माउंट। अब इस पर माउंट करते हैं साइकिलिंग माउंट। बहुत दिनों के बाद लगाया है तो गंदा बहुत हो रहा है, इसको अभी सर्विस वगैरह भी करवाएंगे, साफ़ करवा लेंगे। तो गाड़ी भी गंदी हो रही है क्योंकि रेनी सीज़न है, गंदी हो जाती है। तो अब हम इसमें साइकिल लगा लेते हैं अपनी, देखते हैं। बारिश हल्की हो गई है, उम्मीद है कि हम साइकिलिंग कर सकेंगे, तो देखते हैं आगे। बाकी मौसम बहुत प्लेजेंट हो रहा है आज, बहुत ही बढ़िया, इसीलिए मैं आना चाह रहा था आज। और साइकिलिंग के अलावा एक लैंडस्लाइड होते रहते हैं यहाँ पे छोटे मोटे, पूरी मिट्टी है रोड का लैंडस्लाइड के साथ साथ। ये पहाड़ में चलता रहता है मौसम, तो आज ड्यूअल पर्पस था मेरा कि ड्राइव भी हो जाएगी और साइकिलिंग भी हो जाएगी। जहाँ पे मौसम को देखते हुए साइकिलिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बीच में बारिश हो गई थी काफ़ी तेज, यहाँ पे बारिश कम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग चल रही है, तो इतना तो चल जाएगा। थोड़ी सी हम फास्ट साइकिलिंग कर लेंगे, फास्ट मूव में अपनी, और उसके बाद आके बैक टू होम वापस। प्लान तो यही है, अब देखिए क्या रहता है आगे, ज़्यादा बारिश ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, क्योंकि रेनी सीज़न में ऐसे ही रहता है, शेड्यूल टूट जाता है, और एक बार आपका वर्कआउट का शेड्यूल टूट जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है उसमें, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, और बरसात में कुछ रहता भी नहीं है। जिम वगैरह इनडोर्स मैं एक्सरसाइज करता नहीं हूँ, मुझे आउटडोर्स एक्सरसाइजेस पसंद है, तो साइकिलिंग वॉकिंग एंड स्विमिंग और आपका रनिंग जॉगिंग सॉर्ट ऑफ। तो चलिए अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट काठगोदाम पे, यहाँ फिर बारिश ड्रिजलिंग है, देखिए आपको दिखाता हूँ, हल्की हल्की ड्रिजलिंग चालू हो गई है, विंड स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको हल्की हल्की ड्रिजलिंग। चलिए देखते हैं, थोड़ा तो करते हैं वर्कआउट। ये है कि एक्चुअली यहाँ पे 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर तो हो जाएगा ऑलमोस्ट, बाकी फिर देखते हैं आगे और क्या हो सकता है स्मूथली। चलिए मिलते हैं। थोड़ी बहुत साइकिलिंग करेंगे, फिर थोड़ी बहुत गपशप देखते हैं, वो अगर मिलते हैं वही तो ऐसे करते हैं। हम बंद कर दें गाड़ी, यहीं पे हमारा स्टॉप है, गाड़ी यहाँ पे बंद करके
चलते हैं अपनी साइकिलिंग को। साइकिलिंग हो रही है, साइकिलिंग। चलिए थोड़ा तो करते हैं। ट्रेन तेज हो रही है। ये थ्री माउंट, थ्री साइकिल्स वाला माउंट है मेरे पास। 1, 2 and 3 वाला माउंट है, तो इसमें फर्स्ट क्लास 3 साइकिल्स आ जाती हैं अपनी। चलिए इसे उतार भी लेते हैं। उतार के गाड़ी को लॉक कर देते हाँ, साइकिलिंग हो जाए थोड़ी बहुत। यहाँ पे मौसम बहुत प्लेजेंट रहता है मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि माउंटेन्स हैं ऑलमोस्ट। काठगोदाम, रानीबाग, HMT है बेसिकली, HMT फैक्ट्री के पास। ड्रिजलिंग हो रही है अभी भी बारिश में, तो वो देखते हैं थोड़ा एक राउंड अबाउट काटते हैं। यहाँ से नीचे जाके उधर से क्लाइंब है, क्लाइंब से होते हुए ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर्स हो जाएगा, 5 जाना 5 आना। और देखते हैं आगे क्या मिलता है, क्योंकि बारिश अगर तेज हो गई तो हमें बीच में आना पड़ेगा वापस।